ऑपरेशन सुदर्शन के तहत नशे की सामग्री के डिमांड करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत शहर में जितने भी नशा करने वाले लोग हैं उनकी डिमांड का पता लगाने के लिए स्माइल लूटी बैंक के वॉलंटियर के साथ एक उपनिरीक्षक को हर थाने पर नोडल बनाकर पता लगाया जा रहा है और नशा मुक्ति केंद्र के साथ मिलकर नशा करने वालों को ठीक करवाया जाएगा। यह एक अच्छा प्रयास है। यह ऑपरेशन नशा की वस्तुओं की डिमांड करने वाले का पता लगाना, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। गोरखपुर जोन के ADG महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन सुदर्शन, जिसके तहत जितने भी शहर में नशा करने वाले लोग हैं, इसका डिमांड साइड जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए स्माइल रोटी बैंक करके फाउंडेशन एक NGO है, उस NGO के साथ प्रत्येक थाने पर एक सब इंस्पेक्टर को नोडल बनाकर उनके वॉलंटियर्स के साथ इस प्रॉब्लम के एक्सटेंट की कितनी बड़ी व्यापक ये समस्या है इसको स्टडी किया जाएगा। स्टडी करने के बाद में उस क्षेत्र में सोसाइटी की मदद से और विभिन्न नशा जो केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके इस समस्या के एक्सटेंट को पता किया जाएगा और उसके बाद में इसमें एक पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन भी लाने का प्रयास किया जाएगा। यह एक अनूठा प्रयास है। यूजुअली पुलिस का मैंडेट कहीं भी कोई भी व्यक्ति नशे की कोई चीज़ बेचता है उसको लेके होता है, लेकिन ये पहली बार नशे की डिमांड साइड है उसको एड्रेस करने के लिए ही यह ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस NGO के साथ में विभिन्न थानों पर जो नोडल ऑफिसर सब इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वो एक सार्थक प्रयास करेंगे और एक सार्थक इसमें रिजल्ट भी निकलेगा। थैंक यू।